Sun is shining in the sky, birds are singing in the trees, pretty songs that make you smile. Rivers flow into the sea, so they started out a stream, so much magic all around. This is home. क्या कर रहा है? एक बंदर की तरह उछल कूद कर रहा है। हे, तुम कौन हो? ओह, हेलो, मैं हूँ जीजू। मैं एक रेड ब्रेस्टेड मैकाव हूँ। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हाय, मैं हूँ पाब्लो। और हाँ, हम दोस्त बन सकते हैं। भूख लगी है? हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ फल नीचे डाल दो। तो ये लो पाब्लो, प्यारे छोटे हाथी, जरा कोशिश तो करो, पकड़ लो अगर तुम पकड़ सको। ओ पाब्लो, मुझे मजा नहीं आया। तुम्हें फल मिल गए, चलो मुझे पकड़ के दिखाओ। पकड़ लिया। मैं तुम्हें कारनामे दिखाता हूँ। इसमें हंसने वाली बात क्या है, हैं? जरा पाब्लो को देखिए, वो कितनी मस्ती कर रहा है। हे, तुम्हारा नया दोस्त कौन है? ये है जीजू। जीजू एक रेड ब्रेस्टेड मकाओ है और उसे लगता है वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। हा हा। हमेशा अपने दोस्तों से अच्छे से पेश आना चाहिए, उसे ऐसे सताओ नहीं। माइक, इसे कुछ समझाओ ना। तुम्हें अपने साइज के दोस्तों के साथ खेलना चाहिए। पहले शुरुआत इसने की डैड। अच्छा ठीक है, देखो मेरी नई तरकीब। दोस्तों के साथ कोई ऐसा करता है? मुझे दिखावे बाजी अच्छी नहीं लगती। हाँ। अब ये देखो, मैं पानी के अंदर भी तैर सकता हूँ। बहुत अच्छे पाब्लो, ये अच्छी तरकीब है। अब तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना है कि अब जंगल सुरक्षित नहीं रहा। हम हाथियों को एक साथ रहना चाहिए, हमें इंसानों से बचना चाहिए। तुम्हारा इस तरह से अकेले रहना खतरे से खाली नहीं, वो तुम्हें पकड़कर जू या सर्कस में बेच देंगे। तुम्हें चौकन्ना रहना चाहिए। डैड, डैड सही कह रहे हैं पाब्लो, अपने डैड की बात मानो।
हमें सुरक्षित रहना है तो साथ रहना होगा। प्लीज हमारे साथ रहो। चिंता मत करो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। आओ। बड़े हो गए हो, तुम एक नादान बच्चे हो। यम यम और फल। पाब्लो कहाँ है? तुम यही रुको लिसी, मैं जाकर उसे ढूंढता हूँ। पाब्लो, पाब्लो, कहाँ हो तुम? पाब्लो, पाब्लो, पाब्लो कहाँ हो तुम मेरे बच्चे? वापस आ जाओ पाब्लो। ओ, जरा ये तो देखो, पंजों के निशान। ये निशान शेर के तो नहीं लगते, लेकिन किसी छोटे हाथी के बच्चे के लगते हैं। हाँ, ये यकीनन हाथी के बच्चे के पंजों के निशान हैं। चलो देखते हैं ये पंजों के निशान किस तरफ जा रहे हैं। तो तुम वहाँ हो छोटे हाथी, मैंने तुम्हें देख लिया। पाब्लो, तुम कहाँ थे मेरे बच्चे? मैं कितना डर गई थी। लेकिन तुम्हारे डैड कहाँ हैं? भागो, भागो, शिकारी यहाँ आ रहे हैं। क्या? शिकारी? भागो पाब्लो, भागो, जितनी तेज भाग सकते हो भागो। मेरे पैर में चोट लगी है। जाओ जाओ मेरे बच्चे, मैं ठीक हूँ, अपनी जान बचाओ। मैंने कहा था ना कि ये जंगल हम जानवरों के लिए अब सुरक्षित नहीं रहा। भागो बच्चे, भागो जल्दी और किसी सुरक्षित जगह छुप जाओ। नहीं मामा, मैं आपके साथ ही रहूँगा, मैं आपका ख्याल रखूँगा। उठिए ना मामा, प्लीज मामा। आखिरकार ढूंढ ही लिया। देखो हमें क्या मिला, एक प्यारी हथनी और उसका बच्चा। हमारे सर्कस का क्या नजारा होगा। हम हथनी को ट्रेनिंग देंगे, वो बच्चे को ट्रेनिंग देगी, हथनी को हम, बच्चे को वो। क्या कहते हो? चलो आओ प्यारे हाथी, आज का हमारा दिन लकी निकला, क्यों, क्या कहते हो दोस्त? पाब्लो, मदद के लिए जितनी जोर से हो सके उतने जोर से चिल्लाओ। हम जानवरों को अकेला छोड़ो, पूरे इंसानों, भोले भाले जानवरों को पकड़ने वालों, भागो पाब्लो, भागो, अपनी जान बचाओ। देखा, हम जानवर भी तुम पर हमला कर सकते हैं। इस पंछी की हिम्मत तो देखो, इसे शूट कर दो, चलो मारो। मेरा पंख जख्मी हो गया, मेरी चिंता बंद करो, मैं ठीक हूँ, भागो। पाब्लो हिलना मत, उनके पास गन्स है, वो तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं। जल्दी करो, इन्हें ट्रक में डालो। ओ, ये भारी हाथी, जल्दी करो, पूरा दिन यही काम नहीं करना, जल्दी करो। Hee hee hee!
पाब्लो, रो मत। अलविदा मेरे घर, मुझे नहीं लगता हम वापस आएंगे। लिजी और पाब्लो, मेरा परिवार, कहाँ हो तुम? वो शैतान इंसान मेरे परिवार को मुझसे दूर ले गए। पाब्लो, मेरे नारायण बच्चे, मैंने कहा था हमसे दूर मत जाना। काश तो मेरी बात मान लेते। इंसान जंगल को बर्बाद कर रहे हैं, पेड़ काटते हैं, शुद्ध पानी को प्रदूषित करते हैं, जानवरों को पकड़कर पूरी दुनिया में सर्कस और जू में बेचते हैं। इंसानों के हथियारों के सामने हम जानवर बेबस हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। अब जंगल में कोई भी जानवर सुरक्षित नहीं है। इस पृथ्वी पर हमारा कोई घर नहीं है। से जरूर चले जाएंगे। Guess it's just you and me now. Guess it's just you कह रही हूँ पाब्लो। And me. Together I know we'll be okay. उठो पाब्लो, और कितनी देर सोओगे? देखना, मैं एक दिन तुम्हें जरूर पकड़ूंगा। एक दिन मैं आजाद हो जाऊंगा और जंगल वापस जाऊंगा। काश मैं इसका पीछा कर सकता। मुझे मेरे डैड की याद आ रही है। मेरे दोस्त जीजू को भी मेरी याद आ रही होगी। अब तुम्हारी बारी है पाब्लो। मामा, मुझे मत बांधो, मुझे आजाद रहना है। जब तुम बड़े हो जाओगे तब हमारे लिए खेल दिखाओगे। मैं तुम्हें कैद करूं, ट्रेन करूं, कैद करूं, ट्रेन करूं, मजा आएगा। मैं इस खंभे को तोड़ दूंगा। जरा रुको मेरे बच्चे। पाब्लो, सब्र करो, अभी इसका कोई फायदा नहीं। और फिर
कुछ महीनों बाद। उठो पाब्लो, सुबह हो गई। उठो बेटा, आज रात सर्कस हाउस फुल होगा। हमें अपनी करतब की प्रैक्टिस करनी चाहिए और तुम्हें अच्छे से करतब करनी है। अब उठो भी, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर पानी डालूंगी। पाब्लो उठो बेटा, आज तुम्हारा पहला शो है। लेकिन मामा, मुझे नींद आ रही है, क्या मैं और थोड़ी देर नहीं सो सकता? मैं अभी शो के लिए तैयार नहीं हूँ। आलस छोड़ दो पाब्लो, वापस जंगल लौटने के बारे में भूल जाओ, अब यही हमारा घर है। देवियों और सज्जनों और छोटा छोटा बच्चा लो, रेज एनिमल सर्कस शो में आपका स्वागत है। हमारे स्टार हाथियों का तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। अब पेश है हाथी योगा, एक स्पेशल हाथी योग अभ्यास। देखिए, हाथी अपने पिछले पैरों को उठा रहे हैं, हाथी शीर्षासन। ये तो कमाल का है, ये योगा अभ्यास तो मैं भी कर सकता हूँ। देखो, ये मेरे ऊपर क्या गिर गया? मम्मा, मैं देख नहीं पा रहा। आखिरकार, ओह मम्मा, संभल कर, बैलेंस करो आराम से मम्मा। उन्हें चोट नहीं लगनी चाहिए, अगर उन्होंने गलती की तो खाना नहीं मिलेगा। तालियां तालियां तालियां, हाथियों का जवाब नहीं। अब अगला शो है बब्बर शेर शो। ये है राजा, हमारा हीरो शेर। चलो राजा, कूदो। राजा कूदो, वरना वो हमें सजा देंगे। कूदो। बबलू भालू सर्कस रिंग में साइकिल चलाएगा। और अब ये शानदार घोड़े। अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है। आज के शाम की जान हमारा ये जोकर, लेकिन आज हम उसे हवा में उछालेंगे। आइए देखते हैं क्या ये तीन उसे हवा में पहुंचा सकते हैं। और ये कर दिखाया। अरे नहीं, अब मेरी बारी है, पता नहीं मैं कैसे करूंगा। हवा में उछलेगा ये छोटा हाथी पाब्लो। हाँ,
पाब्लो सर्कस का सबसे छोटा सदस्य है, क्या ये झूले को पकड़ पाएगा? ओ, इस बार चूक गया पाब्लो। देवी और सज्जनों, हमारी शानदार हथनी लिजी अब निशाना लगाएगी। आइए देखते हैं। एक और चांस, लेकिन आखिरी बार। अरे नहीं, इस बार निशाना लगना चाहिए, मुझे कुछ करना होगा। ये क्या किया पाब्लो? हमने कर दिखाया, हमने साथ में कर दिखाया। और ये इस शाम का आखिरी खेल, हाथी रोल बॉल पर। बैलेंस करो मेरे बच्चे, बैलेंस। पाब्लो, चलो पाब्लो, वैसे ही करना जैसा सिखाया था। पाब्लो मेरे बच्चे, तुमने बहुत अच्छा करतब किया। बेचारा पाब्लो, उसे सर्कस में रहना अच्छा नहीं लगता था। सर्कस में जानवरों को जिस तरह से ट्रेनिंग और सजा दी जाती थी, उसे पसंद नहीं था। लेकिन उसका पहला दिन उतना भी बुरा नहीं था। पाब्लो, तुम अब भी कोशिश कर रहे हो? देखो, मुझे देखो, मैं कैसे उड़ रही हूँ। एक दिन मैं भी आजाद हो जाऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। पाब्लो बेचारा, तुम अब भी कोशिश कर रहे हो? मुझे देखो, देखो मुझे। मुझे चिढ़ाना बंद करो। 3 साल गुजर गए और छोटा पाब्लो अब बड़ा और ताकतवर हो गया है। लेकिन वो अब भी सर्कस में है, सर्कस में करतब कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम बड़े हो गए हो, तुम अब मेरे जितने लंबे हो गए हो। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब हमें आजादी और कैद में से एक को चुनना पड़ता है। तुम खंबे से ताकतवर हो, अब तुम उसे तोड़ सकते हो। कोशिश करो। मम्मा, मैंने कई बार कोशिश की। देखा, वाह, मैं आजाद हो गया, मैं आजाद हो गया। मैंने कर दिखाया मम्मा, अब मैं वापस जा सकता हूँ। जाओ मेरे बच्चे, जाओ मेरे बच्चे, भागो यहाँ से। चलो पाब्लो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। तितली तुम्हारा ख्याल रखेगी और मैं भी जल्द तुम्हारे पास आऊंगी, मेरा वादा है। बाय बाय। तितली, जरा रुको। अच्छा, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे।
आउच, मुझे चोट लग गई। जंगल कितना गंदा हो गया है, यहाँ इतना कचरा कहाँ से आया? क्या ये डंपिंग ग्राउंड है? शहर का इतना कचरा, ये तो जंगल का हिस्सा लग ही नहीं रहा। वाह, इस जगह को देखो, अब इसे मैं कहता हूं घर। ये तो कमाल का हरा भरा है और यहाँ के जानवर भी कितने खुश हैं। हाँ, ये क्या है? घुल घुल जाए शहद मेरे मुंह में, मैं खाना चाहूँ रोज रोज। डुरु 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 मेरा प्यार है शहद, डुरु 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 डुरु। ओ हे दोस्त, क्या तुम्हें शहद चाहिए? अरे ये तो भालू है। हाँ हे, तुम ये क्या कर रहे हो? अब हम नहीं बचेंगे, भागो भागो, अपनी जान बचाओ, अपने आप को मधुमक्खियों से बचाओ। मधुमक्खी? अरे नहीं, मुझे मत काटना, मैंने कुछ नहीं किया, कसम से मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा पीछा छोड़ो, छोड़ दो मुझे, बचाओ। पागल, तुमने हमारा छत्ता बर्बाद कर दिया, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। मुझे दर्द हो रहा है। अरे नहीं, फूल ने उसे खा लिया। ओ, वो रहे चमगादड़, कितने कमाल के हैं, और ये पेड़ से उल्टा लटकते हैं। हेलो दोस्तों। हाँ, क्या तुम पूरा दिन सोते रहते हो? तुम्हारी सुबह हमारी रात होती है, हमें सताओ मत। राक्षस, कोई मुझे बचाओ, बचाओ, अरे नहीं। हाथी। हाँ, क्या तुम एक पंछी हो? तुम्हें क्या दिख रहा हूँ, एक खरगोश? क्या ये तुम्हारा स्टाइल है? मुझे प्लास्टिक बैग पहनना अच्छा लगता है। मैं इस बैग में अटक गया हूँ, इंसान कचरा फेंक कर हमारे जंगल को प्रदूषित कर रहे हैं। हे! हे! मैं आजाद हो गया। शुक्रिया। अब दायां पैर, बायां पैर, दायां पैर, बायां पैर, मैं आजाद हूँ। तो इंसानों ने तुम्हें भी परेशान किया था। मैं अभी 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 सर्कस से भाग कर आया हूँ। क्या तुम उड़ नहीं सकते छोटे पंछी? क्या छोटे पंछी? मैं हूँ जीजू, एक रेड ब्रेस्टेड मकाओ। मकाओ? जीजू, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं पाब्लो हूँ,
तुमने हमें बचाने की कोशिश की थी जब शिकारी हमें ले जा रहे थे। हाँ, मुझे तुम अच्छे से याद हो पाब्लो, प्यारा सा छोटा हाथी जिसे पानी में खेलना अच्छा लगता था। तुम तो काफी बड़े हो गए हो। तुम इतने साल कहाँ थे पाब्लो, और तुम्हारी माँ कहाँ है? वो अभी भी सर्कस में ही है। मैं किसी तरह सर्कस से भाग निकला, लेकिन तुम्हें तो चोट लगी है और तुम उड़ भी नहीं सकते। ओह, तुम्हारे पंख में चोट लगी है। किसने किया ये? तुम्हें उससे क्या पाब्लो? मुझे वो भयानक हादसा याद नहीं करना। I'm sorry। आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मुझे नीचे रखो। मुझे नीचे रखो। ये तो कमाल है। पुराने दोस्त फिर एक बार मिल गए, चलो घूमते हैं। हाँ, चलो मैं तुम्हें जंगल दिखाता हूँ। यहाँ काफी कुछ बदल गया है। इंसान यहाँ के पेड़ काटकर हमारे जंगल को बर्बाद कर रहे हैं। मैं सर्कस से आया हूँ। मैं वहाँ से आजाद होने के लिए भाग कर आए हो? सच में? क्या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अब तक तो कोई मेरे पीछे नहीं आया है। क्या मैं आपके साथ रहूँ? नहीं, चले जाओ। सर्कस के इंसान यहाँ जल्दी ही आएंगे, फिर हम सब पकड़े जाएंगे। चले जाओ, चले जाओ। तुम हम सबके लिए एक बड़ा खतरा हो। वो तुम्हें पकड़ने जरूर आएंगे और साथ में और जानवर पकड़ कर ले जाएंगे। लेकिन मैं तो दूर रहो नौजवान, दूर रहो हमसे। तुम्हारा हमसे कोई वास्ता नहीं। चले जाओ, चले जाओ। मैं पहले ही अपने परिवार को खो चुका हूँ। हेलो, हेलो सनी, यहाँ। मैं वहाँ से इसलिए भागा क्योंकि मैं कैद में नहीं रहना चाहता था। मुझे आजादी चाहिए, जंगल की आजादी। तुम्हारी सर्कस की कहानी में हम में से किसी को दिलचस्पी नहीं है। अब चले जाओ यहाँ से शहरी कीड़े, चले जाओ। हमें नफरत है सर्कस से। इसका मतलब हम यहाँ नहीं रुक सकते। चलो पाब्लो, चलते हैं। मुझे लगता था कि जंगल के जानवरों को दोस्ती करना पसंद है। प्लीज, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? मैंने कहा नहीं, नहीं। Together we belong. Oh yeah, so much fun my friend and me.
मेरे गाने के बीच में आता है। अब क्या मुसीबत है? ये कैसी आवाज है? ऐसा लगता है कि ये सामने की झाड़ियों से आ रही है। क्या तुम जाकर देखोगे? ओह नहीं 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 ओह नहीं 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 मैंने पहले ही कहा था मेरे पंख में चोट लगी है, मैं उड़ नहीं सकता। कोई बात नहीं, कम से कम तुमने कोशिश तो की। हे छोटे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, देखो मैं भी तुम्हारी ही तरह हूँ। तुम तो झुंड में थे ना, बोलो। कोई बात नहीं, ये लो अपनी नाक साफ करो और बताओ कि क्या बात है। Oops, sorry. हाँ बच्चे, अब बताओ क्या बात है? मैं घूम गया हूँ, मेरे अंकल झुंड के मुखिया है, अब वो मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। हाँ, मैं तुम्हारे अंकल से मिल चुका हूँ, वो बड़े ही गुस्से वाले हैं, है ना? नहीं, वो ऐसे नहीं है, सच में। लेकिन कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हें फिर से तुम्हारे परिवार के पास पहुंचा देंगे। क्या कहा तुमने? हमें इसकी मदद करनी होगी जीजू, ये खो गया है। बहुत अच्छे, लेकिन उससे पहले हम हमारे नए दोस्त के लिए कुछ तुम्हारा नाम क्या है? सनी। खाने को देते हैं। अब हम क्या करें? हम क्या करें? भागो, जल्दी भागो। चलो सनी, जल्दी। मैं नहीं दौड़ सकता। चलो सनी। मुझे लगा मैंने सर्कस के पाब्लो को देखा और साथ में मकाओ को भी। उसे वापस लाने के लिए हमें अच्छा इनाम मिलेगा और वो हमारे सर्कस में कर्तव्य भी दिखाएगा। लेकिन मकाओ मेरा होगा। इस बार हम उनके हाथ नहीं आएंगे पाब्लो, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। मुझे लगता है कोई खतरे में है। पाब्लो, हमें यहाँ से जल्दी भागना चाहिए, अभी भागो। वाह, मुझे लगता है आवाज वहां से आ रही है। अंकल। सनी, भागो भागो, जितना तेज भाग सको भागो, शिकारी आ चुके हैं। मैं जानता था वो जरूर आएंगे, भागो भागो, सनी को बचाओ, अपने आप को बचाओ। मेरी सूंड पकड़िए सर, मैं आपको बचाऊंगा। तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो जबकि मैंने तुम्हें अपने साथ रहने नहीं दिया। मैं बूढ़ा हो गया हूँ और थक भी गया हूँ, मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता। तुम जाओ यहाँ से
और सनी की जान बचाओ, अपने आप को बचाओ। हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे सर। वो तुम्हें पकड़ लेंगे और वापस सर्कस ले जाएंगे। भागो। सर्कस? हाँ सर्कस, मुझे याद है तीन खिलाड़ी एक तरफ के हिस्से पर कूदते थे और उस तरफ का खिलाड़ी हवा में उछलता था। मुझे भी उन्होंने ऐसे ही उछाला था। चलो वही तरकीब यहाँ करते हैं। जल्दी, क्या तुम्हें कोई लकड़ी का तना दिख रहा है? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो रहा पाब्लो, शायद उतर काफी होगा। जल्दी अंकल, आप कर सकते हैं। मैं इतना ताकतवर नहीं हूं। ठीक है, मैं दूसरे आदमियों को मदद के लिए बुलाता हूँ। बचाओ बचाओ बचाओ। देखो जीसू, सब आ गए। जल्दी आओ हाथियों, हमें अंकल को बचाना होगा। वो यहाँ गड्ढे में फंस गए हैं, हमें जल्दी करना होगा। सर्कस के शिकारी हमें जंगल में ढूंढ रहे हैं। हमें भागना होगा और छुपना होगा। जल्दी पाब्लो, देखो वो आ गए। जीजू, जीजू तुम्हें क्या कर रहे हो? रुको। बाहर निकालते हो तब तक मैं शिकारियों को उलझाए रखता हूँ। वाह, जीजू उड़ रहा है, हमें बचाने के लिए वो उड़ रहा है। आओ मेरे नन्हे पंछी, मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगा। मेरे पीछे आओ शिकारियों। जीजू शिकारियों को अपने पीछे पीछे ले गया। उड़ते उड़ते वो एक पेड़ के तने के ऊपर से जाने लगा ताकि शिकारी उस तने पर अटके और फिसल कर गिर जाए। अपने ही फैलाए हुए कचरे में डूबकर कैसा लग रहा है? अब तुम कहां भागोगे? हाथ नहीं आऊंगा। थैंक यू जीजू, वो हमारी जान बचा रहा है। अब चलो तने पर जोर डालो। जोर लगाओ दोस्तों, चलो हम कर सकते हैं, ये काम कर रहा है। अंकल मेरी सूंड पकड़ी है। हमने कर दिखाया। वो मेरे पीछे आ रहे हैं। बहुत अच्छे जीसू, चलो अब इस गड्ढे को पत्तियों से ढक देते हैं ताकि ये उन शिकारियों के लिए जाल बन जाए। अब समय आ गया है उनसे बदला लेने का। चलो पाब्लो बाकी हाथियों को झाड़ियों में ले गया। उन्हें पता था कि शिकारी उनके पीछे ही हैं। उन्होंने गड्ढे पर जाल बिछाया था, शायद वो उसमें फंस जाएं। जीजू उन्हें झाड़ियों का रास्ता दिखा रहा था। अब हाथी इंतजार कर रहे थे। कहां गए सब? मुझसे कोई नहीं बच सकता। फिर शिकारी गड्ढे में गिर गए। कोई बचाओ हमें, बचाओ बचाओ। यहाँ दूर दूर तक हमें सुनने वाला कोई इंसान नहीं है, हमें कोई जानवर क्यों बचाएगा? बचाओ बचाओ बचाओ, कोई हमारी मदद करो।
अब देखते हैं अपने ही बनाए जाल में फंसकर उन्हें कितना मजा आ रहा है। चलो इस बार तो हम बच गए। मुझे यकीन है उन्हें बचाने कोई ना कोई जरूर आएगा। हमें एक साथ रहना चाहिए। मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था। अब तुम हमारे झुंड का हिस्सा हो। तुम्हारा शुक्रिया और तुम्हारे अनोखे सुंदर दोस्त का भी। शुक्रिया सर। चलो नौजवान आओ हमारे साथ पानी में डुबकी लगाते। ये अब तुम भी हमारे झुंड का हिस्सा हो। जीजू तुमने आज कमाल कर दिया। तुमने हम सबकी जान बचा ली। और ये वही शिकारी है ना जिन्होंने तुम्हारे पंख को जख्मी किया था, है ना? हाँ वही थे पाब्लो। लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे विश्वास मिला कि मैं उड़ सकता हूँ। पाब्लो, मम्मा, मम्मा, क्या ये आप हैं? ओ पाब्लो, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम्हारी जाने के बाद वहाँ आग लग गई थी और पूरा सर्कस बर्बाद हो गया। और मैं तुम्हारी तलाश में वहाँ से भाग निकली। और तुम्हें फिर से देखकर मैं बहुत खुश हूँ। माइक, क्या ये तुम ही हो? लिजी, मेरी प्यारी लिजी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम वापस मिल पाएंगे। और पाब्लो, क्या ये हमारा बेटा है? कितना बहादुर नौजवान हाथी है ये। इसने मेरी जान बचाई। तुम्हारा स्वागत है बच्चे, स्वागत है तुम्हारा अपने इस घर में। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। मेरे डैड? हाँ, ये तुम्हारे डैड हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं फिर से आजाद हो गई हूँ, वापस अपने जंगल में। मैंने तुम्हें फिर से पा लिया मेरे बच्चे, और मैंने अपने पूरे परिवार को फिर से पा लिया। माई मेरी जिंदगी का सपना पूरा हो गया। मेरा परिवार मेरे झुंड का हिस्सा बन गया। चलो इस खुशी को मनाते हैं। सब साथ में हाथियों का ट्रेडिशनल डांस करते हैं। जीजू, मुझे ये डांस नहीं आता। नहीं पाब्लो, कोशिश करो, तुम डांस कर सकते हो। खुशी के दिन वापस लौट आए। हम हैं खुशहाल हाथी। खुशहाली, 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 खुशहाली। बिछड़े हुए साथ आने पर सारे हाथी खुश थे। पाब्लो को सीख मिली थी कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अपना सपना पूरा होने तक कोशिश करते रहनी चाहिए। माइक को समझ आया कि अपने से छोटों को कभी कम नहीं समझना चाहिए। देखो देखो पाब्लो कितना बहादुर और स्मार्ट है। शिकारियों को आखिरकार सजा मिली। सर्कस भी बर्बाद हो गया। इसका मतलब अब वो कभी भी जंगल में जानवरों को पकड़ने नहीं आएंगे, जिससे जंगल और जानवर हमेशा के लिए खुश हो गए।